एवरीवन, दिस इज दीपक अगेन एंड वेलकम टू कॉमिक जोम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरी गिटार के बारे में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा था ब्लूबेरी गिटार का रिव्यू कीजिए, ब्लूबेरी गिटार जो है ले सकता हूँ क्या, 2500 के अंडर मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो ब्लूबेरी गिटार है उसका मैंने रिव्यू करा, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी एंड देखा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है और आप अगर ले सकते हैं, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने जब कंपेयर करा तो मेरे को एक गिटार की तरह वो लगा एकदम, जो कि जिसका रिव्यू मैं पहले से ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि है फ्लिपकार्ट गिटार, फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय गिटार। आप देखेंगे अगर ब्लूबेरी गिटार में, आपको कंपेरिजन करवा देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लूबेरी गिटार और फ्लिपकार्ट गिटार, इसमें आप ब्रिज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है कि ब्रिज में जैसे जो नॉब्स आपको दिख रहे हैं, जो कि आपको नॉर्मल वुडन ब्रिज में दिखते हैं, वैसे ब्लूबेरी गिटार में, वैसे फ्लिपकार्ट गिटार में इनमें नॉब सिस्टम हो गए। इससे पहले जो गिटार आते थे इंटर्न या ज्यूरस, उसमें नॉब्स वाला सिस्टम नहीं था, उसमें छेद होता था, आप स्ट्रिंग लगाते थे और ऊपर से टाइट करते थे, तो ज्यूरस और इंटर्न के वैसे थे। लेकिन आपका फ्लिपकार्ट गिटार भी ऐसा ही है और ब्लूबेरी गिटार जो है वो भी ऐसा है। जो कीज़ देख रहे हैं आप, कीज़ इसमें ओपन कीज़ आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे ये ओपन कीज़ है, तो ब्लूबेरी गिटार में भी सेम है, फ्लिपकार्ट गिटार में भी सेम है। जो फ्रेटबोर्ड है और जो ब्रिज है, दोनों प्लास्टिक के, ब्लूबेरी गिटार में भी है, फ्लिपकार्ट गिटार में भी है। और एक्शन जो है दोनों का हाई है, एक्शन का मतलब फ्लिपकार्ट वाले जो गिटार है उनमें स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। आप अगर, आपको मैं ढंग से दिखा दूंगा अभी और फोटोज़ में, तो एक्शन स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो है फ्लिपकार्ट में ज़्यादा है। और ब्लूबेरी के गिटार के जो मेरे कस्टमर थे, उन्होंने जो ख़रीदा था, जो कि बोल रहे थे कि या सर एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्या, तो अमेज़ोन आपको 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी देता है, आप चेंज करवा सकते हो। लेकिन दोनों में एक्शन सेम है, और बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक्शन होता है गिटार का, क्योंकि अगर बिगिनर को स्टार्टिंग में प्ले करने में प्रॉब्लम आती है तो उसको लगता है कि यार मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा, शायद गिटार मेरे लिए बनानी है, क्योंकि हर किसी का शौक होता है गिटार प्ले करने का। लेकिन जब रियलिटी फेस करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में वो धुन नहीं हो जा रहे होते, फिंगर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, उंगलियों में दर्द होता है, तो उनको लगता है यार गिटार तो बहुत मुश्किल है, प्ले नहीं हो पाया। तो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस कभी भी किसी भी कस्टमर का ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ब्लूबेरी गिटार और फ्लिपकार्ट गिटार में एक डिफरेंस ये है कि ब्लूबेरी गिटार के अंदर ट्रस रॉड है, तो ट्रस रॉड से क्या है कि आप एक्शन जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये उसमें अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्लिपकार्ट गिटार में क्या है कि आप एक्शन एडजस्ट नहीं कर सकते, तो एक्शन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप का मान लीजिए एक्शन बहुत ज़्यादा और है, तो आप इसके अंदर एलन की डालेंगे, और एलन की को अगर आप जब घुमाते हैं, तो जब राइट हैंड साइड घुमाते हैं, आप यहाँ पर टर्न करते हैं, तो आपका एक्शन जो होता है वो कम होता है, और अगर आप इस तरफ घुमाते हैं तो एक्शन ज़्यादा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्शन वाला गिटार आ जाए तो आप चेंज भी करवा सकते हैं अमेज़ॉन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन में आप एलन की से एडजस्ट तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो पाएगी गिटार की। तो ओवरऑल अगर देखें तो ट्रस रॉड की वजह से ये गिटार जो है फ्लिपकार्ट गिटार से बेटर है एंड इंटर्न और ज्यूरस गिटार से बेटर है, क्योंकि ट्रस रॉड के आने से एक्शन वाली प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो गई है। बाकी सारी चीज़ें सेम है तीनों गिटारों में, फ्रेटबोर्ड, ब्रिज प्लास्टिक है, कीज़ ओपन है और वुडन बॉडी है बाकी, और आप प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर एक्शन एडजस्ट कर लेंगे, आपको प्ले करने में ठीक हो रहा है, तो आप ले सकते हैं गिटार। तो एक काम करते हैं, कुछ इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं अमेज़ॉन पे, लोगों ने क्या क्या देख रखा है, अच्छे रिव्यू क्या है, बुरे रिव्यू क्या है, और कंक्लूजन क्या निकालते हैं। तो ये पाका जोसेफ है, इन्होंने रिव्यू कर रखा है, नॉट हैड अ गुड फिनिशिंग लुक्स लाइक पेल कलर बट इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर बिगनर्स विद अफोर्डेबल प्राइस। कह रहे हैं कि दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस के अकॉर्डिंग सही है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग बिगनर ले सकते हैं। दूसरा कमेंट पकड़ते हैं, दूसरा कमेंट है ब्राउनिंग संगमा की तरफ से, इन्होंने लिखा साउंड क्वालिटी वाज नॉट गुड, और एक कस्टमर का एक्सीलेंट गिटार फॉर बिगनर्स, 4 रेटिंग दे रखी है। और देखते हैं, एक कस्टमर ने बोला गिटार कवर इज टॉर्न, गिटार का कवर कह रहे टूटा हुआ है। सिद्धि ने रिव्यू कर रखा, इट इज़ रियली अमेजिंग, इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स एंड प्राइस इज ऑल्सो गुड कम्पेयर टू अदर गिटार्स, इट ऑल्सो हैज़ अ ट्रस रॉड एंड इट्स रियली चीप फॉर इट्स प्राइस। ठीक है, इन्होंने भी 5 रेटिंग करके, सिद्धि ने, अब एविस्मल है, इनकी रिव्यू है कि प्रोडक्ट इज़ वंडरफुल बट गिटार बैग बेल्ट स्ट्रिंग एंड स्ट्रीकर वाज मिसिंग। कह रहे प्रोडक्ट तो सही है लेकिन कुछ नहीं आया साथ में, और बॉक्स जो था टूटा हुआ आया था। ठीक है भाई, नुकसान हो गया इनका। यश है, इनका रिव्यू है,
इट्स नॉट फॉर बिगनर्स, द गिटार एक्शन इज हाई बट इट्स गुड फॉर मी। तो ये बोल रहे हैं कि बिगनर्स के लिए अच्छा नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था बिगनर के लिए एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन से ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ट्रस रोड है, आप एडजस्ट कर सकते हो एक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन हो तो वापस करवा देना, साफ साफ चेंज करवा लेना उसको, ताकि एक्शन कम हो। एक्शन मतलब स्ट्रिंग्स और फ्रेडबोर्ड के बीच में डिस्टेंस। आपको ये देखो एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ये जो है एक्शन ज़्यादा वर्क है, ये एक्शन कम है, तो आपको ये वाला लेना है जिसका एक्शन जो है वो कम हो, ठीक है। तो इन्होंने भी बोला यश ने कि बिगनर्स के लिए नहीं है क्योंकि एक्शन ज़्यादा है, बिगनर को पता होना चाहिए एक्शन जो है एडजस्ट कैसे करना है। लेकिन ये कह रहे हैं इट्स गुड फॉर मी क्योंकि ये एक्शन एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक्शन ज़्यादा भी है तो प्ले कर सकते हैं हाई एक्शन में, क्योंकि उनको आदत हो गई है प्ले करने की। और एक कस्टमर का रिव्यू है, ये है जी एस सरकार, इनका रिव्यू पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, टाइटल है प्लीज़ डू नॉट बाय यू विल रिग्रेट। बोलेंगे माई बैड लक एंड द वर्स्ट गिटार ब्रांड इन द वर्ल्ड केम टूगेदर, रिप्लेस्ड इट वंस ड्यू टू क्रैक्ड ब्रिज बट द रिप्लेसमेंट हैज़ बीन ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स लाइक क्रेजी। आई हैव ओन्ड यामा एंड गिब्सन फॉर 14 ईयर्स, द गिटार आई हैव बीन ट्राइंग टू ट्यून बट इट हैज़ ब्रोकन 4 सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स ऑलरेडी एंड आई कुड नॉट ट्यून इट वंस फॉर पोजिंग फॉर सेल्फीज। यू कैन स्पेंड 3K बट इफ यू वॉन्ट टू प्ले यू वॉन्ट बी एबल टू। बैड प्रोडक्ट, बैड कंपनी, आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग दैम बट दे डोंट केयर, दे से that do not post negative reviews on Amazon, contact us first, but they do not give, but they do not care when you contact them. I will throw it in the garbage. तो भाई कह रहे कि भाई ब्रिज जो था उसमें क्रैक था और इनका बैड लक और बैड प्रोडक्ट दोनों एक साथ आ गए, ब्रिज में क्रैक हो रखा था तो उन्होंने वापस करवा दिया। लेकिन जब वापसी के बाद नया प्रोडक्ट आया तो उसमें स्ट्रिंग्स लगाने में उनको बहुत दिक्कत आई। स्ट्रिंग्स मतलब गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बार बार टूटती रहती है तो आपको चेंज करनी होती है। स्पेशली आपकी जो ये स्ट्रिंग होती है इसको बोलते हैं ई, इसको बी, यानी कि इसको ई नोट पे ट्यून करते हैं, इसको बी नोट पे ट्यून करते हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है बार बार टूटती है क्योंकि सबसे पतली होती है स्ट्रिंग। तो उन्होंने बोला कि ये स्ट्रिंग बार बार टूट रही थी और 4 सेट इन्होंने चेंज करे और 4 सेट चेंज करने के बाद भी स्ट्रिंग्स बार बार टूट रही थी। तो ये गिटार पे भी डिपेंड करता है, कई बार खराब प्रोडक्ट आ जाता है और आप ट्यून कर रहे होते हैं नहीं ट्यून होता, कई बार कस्टमर की प्रॉब्लम होती है कि वो ढंग से ट्यून नहीं करवाते तब भी टूट जाती है, आना चाहिए। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया यामा गिब्सन का गिटार पहले से था तो इनको आई एम श्योर कि ट्यून करना आता होगा। तो और इन्होंने बोला कि ट्यून के करते करते 4 सेट जो थे वो उन्होंने लगा दिए, यानी कि 4 सेट पूरे खर्च कर दिए लेकिन अब भी ट्यूनिंग सही नहीं हो रही, ट्यून करो अनट्यून हो जाता। तो ये कई बार गिटारों में प्रॉब्लम आती है वाली। और इन्होंने बोला यामा है गिब्सन है, तो सही बोलूँ तो यामा और गिब्सन में कोई कंपैरिजन नहीं है यार, इस गिटार का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यामा गिटार आपका 7,500 का है, गिब्सन आपका बहुत महंगा है। तो अगर आप गिब्सन ओरिजिनल है, गिब्सन इंडिया वाला, गिब्सन आपको 4,000-5,000 में मिल जाएगा, गिब्सन आपको 20,000-25,000-30,000 में मिलेगा, तो दोनों अलग अलग है। तो अगर आपने वो गिटार प्ले कर रखे तो आप ये 2,500 का गिटार लोगे ऑब्वियसली आपको बहुत अलग लगेगा, एक्शन हाई होगा, वुड की क्वालिटी अलग होगी, साउंड की क्वालिटी अलग होगी, स्ट्रिंग्स अलग होगी, आपकी जो कीज अलग होगी, तो कंपैरिजन गलत है। उन्होंने वो गिटार प्ले कर रखा है तो ये प्ले करने में ऑब्वियसली उनको अजीब लगेगा, ये बिगिनर्स के लिए है स्पेशली। तो कंक्लूजन पे अगर हम आए तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ले सकते हैं गिटार, लेकिन जब भी आप गिटार ले तो एक्शन को चेक करें, स्ट्रिंग्स और फ्रेडबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है मैंने बताया था ये ज़्यादा है कम है, तो जो कम वाला है वो वाला गिटार ले, ट्रस रॉड जो है उसको एडजस्ट करें, आपको नहीं पता तो किसी से करवा ले, और एक्शन पहले से ही कम होना चाहिए। अगर क्रम है तो आप प्ले कर सकते हैं एज अ बिगनर, और अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो 2-3 गिटार मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। अभी एक मेडलिन का गिटार था जो पूरा वुड में है, वुडन फ्रेडबोर्ड है, वुडन ब्रिज है, और वो आप ले सकते हैं, वो 40 इंचेस गिटार है, जैसे कि 38 इंचेस गिटार है, 40 इंचेस गिटार है, वो इससे बेटर है, वो 3000 के आसपास अभी अमेजोन सेल पे अवेलेबल था, लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्राइस चेक कर लेना करंट प्राइस क्या है। 4000 रुपीज़ में गॉमिक जोम का V301 मॉडल ले सकते हैं, वो आपको 41 इंचेस में मिलता है, 4000 रुपये का मिलेगा। 5000 रुपये में आप केडेंस का गिटार ले सकते हैं, केडेंस की फ्रंटियर सीरीज़, और ऊपर जाने तो यामा का F280 ले सकते हैं 7000 में। तो आपके ऊपर है, आपका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसका जो कंक्लूजन था मैंने आपको निकाल दिया, परचेस कर सकते हैं कम बजट में अगर आपको इतने ही बजट में परचेस करना है तो, लेकिन एक्शन चेक कर लेना और अगर ख़राब हो तो गिटार को चेंज करवा लेना, और अगर बजट बढ़ा सकते हो ऑप्शंस जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।